नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिशन हैप्पी टीचर्स में। आज एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आपसे डिस्कस करने का मन हुआ है। आप सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि कोई आदमी बुरा नहीं होता, फिर भाई आदमी बुरे काम क्यों कर जाता है? सीधा सा सवाल है। तो फिर लोग कहते हैं कि आदमी की हरकतें गलत हो सकती हैं, आदमी बुरा नहीं होता। ये बात जब मैंने सुनी तो मेरे दिमाग में गूंजती रही कि आखिर ये कैसी बात है, अजीब सी बात है। लेकिन मेरे जीवन की एक घटना जो मेरे ग्रेजुएशन के टाइम में हुई थी, उसको जब मैं एनालाइज किया आज इस उम्र में जाकर, तो मुझे इस बात का जवाब मिला जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वीडियो को आखिर तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन पर हम पहुंचने वाले हैं इस डिस्कशन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, बात उस जमाने की है जब मैं ग्रेजुएशन में था और अपने दोस्तों के साथ एक मूवी देखने गया। जनरल बॉलीवुड फिल्म थी और हमारे चार पांच साथी एक साथ उस फिल्म को देखने गए, स्टूडेंट से सब हम। हुआ क्या कि एक लव स्टोरी फिल्म थी और मैं था, मेरा एक और दोस्त था जो पढ़ने लिखने वाले टाइप के दोस्त थे। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे भी दोस्त हमारे साथ फिल्म देखने गए थे। उसमें सीन क्या आता है फिल्म के अंदर कि हीरोइन को, फिल्म की हीरोइन को, जिससे हम सभी दर्शक इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे, उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। ये घटना देखकर जाहिर सी बात है सभी परेशान हो उठे कि अरे अभी क्या होगा, ये तो हीरोइन के साथ गलत होने जा रहा है। और आप जानते हैं जैसा कि बॉलीवुड फिल्मों में होता है, ये घटना इससे पहले कि कुछ हो पाता, गुंडे कुछ करते, हीरोइन के साथ बदसलूकी कर पाते, हीरो की एंट्री होती है और फिर हीरो ने पूरा फिल्मी स्टाइल में उसको दिशुम 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 मारना शुरू किया। और जब ये घटना घट रही थी तो हम सब एक्साइटेड थे क्योंकि हम इसी का इंतजार कर रहे थे और सब लोग उसके साथ सीटियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। और इसी खुशी के बीच में अचानक गंभीर हो गया क्योंकि मैंने देखा हमारा वो साथी, हाँ वो साथी जो कि पढ़ाई के अलावा बाकी कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, वो भी हीरो के साथ सीटियां बजा रहा, यहां तक कि अपनी कुर्सी से उठकर, मानो कि वो भी अगर कैमरे पर चला जाता तो वो भी दो चार हाथ मारता उन गुंडों को। इस घटना ने मुझे अचानक गंभीर किया, अरे ये क्या, ये कैसे सपोर्ट कर रहा है हीरो का, ये अपने करेक्टर का विरोध कैसे कर रहा है। दोस्तों एक्चुअली वो हमारे ऐसे साथी थे जो खुद अपनी सच्ची जिंदगी में उन गुंडों की भूमिका में थे, यानी कि वो दूसरों की हीरोइन को छेड़ने वाले खुद थे। लेकिन उस फिल्म के दौरान उनको अचानक ही क्या हो गया कि वो हीरो के साथ खड़े हो गए, वो गुंडों के खिलाफ खड़े हो गए। तब मुझे इस बात का जवाब अब जाकर मिला। उस समय तो मैं सोच रहा था कि भाई ये अपने करेक्टर का विरोध कोई कैसे कर सकता है, जो हम खुद हैं उस चीज को पिटवा मरवा कैसे सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन आज मुझे इस बात का जवाब मिल जाता है जब हम इस उम्र में आते हैं, तो मुझे पता ये चला कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, जब हम अपने बिल्कुल नेचुरल सेल्फ में होते हैं, जब हमें किसी तरह का दबाव नहीं होता है, जब हम किसी प्रेशर स्ट्रेस में नहीं होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, तो हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं। और जब हम अपने रियल सेल्फ में होते हैं दोस्तों, तो हम कभी भी गलत का सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत चीजें हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। और यही इंसान का असली चेहरा होता है, यही इंसान का असली व्यक्तित्व होता है, जो हमेशा हमेशा सच्चाई, अच्छाई और सही चीज के साथ खड़ा रहता है। इसकी सिर्फ एक वजह थी कि हम सब फिल्म देखते समय अपनी वास्तविक रूप में थे, अपने रियल सेल्फ में थे, अपने नेचुरल सेल्फ में थे। तो मैं कहना यह चाहता हूं इस घटना के माध्यम से दोस्तों कि आदमी कोई गलत नहीं होता है, बस वो जब किसी के इन्फ्लुएंस में आता है, जब वो अपने नेचुरल सेल्फ को छोड़ता है, जब अपनी वास्तविकता से दूर जाता है, किसी के अभाव या प्रभाव में फंस जाता है, तब उससे गलतियां होती हैं। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि इंसान जो कुछ भी है, चाहे वो आपसे कितना भी अलग जुदा क्यों ना है, लेकिन हम ये देखें कि आखिर वो ऐसे बना कैसे और क्या उसके भिन्न होने में, आपसे अलग होने में उसकी कोई भूमिका है, उसकी कोई गलती है। धन्यवाद, शुक्रिया।